आज मैंने समय निकाल कर नैनपुर से चले डोंगरी के इनाग्रेशन का थोड़ा सा कवरेज किया है, और जबलपुर से नैनपुर जो री इनाग्रेशन हुआ है, जिसका रिस्टोरेशन हुआ है, उसका भी आज मैं थोड़ा सा कवरेज कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, ट्रेन का हॉर्न आ चुका है, अब हम ट्रेन कैप्चर करते हैं, फिर उसके बाद आगे अपनी बात। दोस्तों, तो ये ट्रेन 22 मार्च 2020 से बंद हुई थी, और तब ये जबलपुर से सिर्फ नैनपुर के बीच में चलती थी। आगे पादरीगंज से होते हुए लामता तक कार्य हो चुका था, वहाँ का CRS भी हो गया था। 31 अक्टूबर को 2020 में यहाँ का पूरा लामता से लेकर समनापुर तक का CRS हुआ। होल जबलपुर गोंदिया सेक्शन इज नाउ कंप्लीटेड। अब बात है यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की, तो जबलपुर से नैनपुर के बीच में जो पुरानी ट्रेन चलती थी, और अभी जो गोंदिया समनापुर डेमो चल रही है, दोस्तों अगर ये जबलपुर नैनपुर ट्रेन को सिर्फ 55 किलोमीटर एक्सटेंड कर देते और इसको मर्ज कर दिया जाता गोंदिया समनापुर डेमो से, तो यह पूरी जबलपुर से लेके गोंदिया तक के लिए एक पैसेंजर ट्रेन उपलब्ध हो जाती। और ये जो आज एक और ट्रेन का इनाग्रेशन हुआ है, यानी रिस्टोरेशन हुआ है, नैनपुर से लेके चिरे डोंगरी तक, दोस्तों अगर इसको मात्र 25 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाता तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मिल जाती नैनपुर को। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी ट्रेन का रेक शेयरिंग है, 4:15 बजे हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी चिरे डोंगरी के लिए, फिर वहाँ से जब लौटेगी तो सिर्फ 5 मिनट के और 10 मिनट के हॉल्ट के बाद वह जबलपुर के लिए रवाना हो जाएगी। यानी ये जो रेक शेयरिंग है, इसको डायरेक्ट ट्रेन ही बोला जाएगा, चिरे डोंगरी टू जबलपुर। अगर ये इसको मंडला फोर्ट तक एक्सटेंड किया जाता तो ये मंडला फोर्ट से जबलपुर तक के लिए ट्रेन हो जाती। लेकिन क्या सोचे सांसद नेता वगैरह ने, ये तो हमें नहीं पता। मे बी DRM सर को भी थोड़ा इसके बारे पे विचार करना था कि एक ही ट्रेन को दो दो बार झंडी क्यों दिखा रहे हैं। लगे हाथ इसका इनोग्रेशन कर देते, सेक्शन ओपनिंग कर देते तो बहुत अच्छा होता। तो चलिए, जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रेन है जल्दी जल्दी इसको गोने तक एक्सटेंड किया जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।